पूरा साफ हो गया है, पानी खत्म हो गया है। सुबह उठने के बाद मैं इधर आया रोड तरफ, तो सामने का वातावरण इस प्रकार था, कुहासा था और दूर तक पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा था। लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका था, कुछ लोग रास्ता में टहल रहे थे। और यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं, लकड़ी फाड़ रहे हैं जलावन के लिए। और इधर देखिए धान का खेत है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, हरा भरा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कुहासा नहीं रहता तो बहुत सुंदर लगता। और पेड़ पौधा है बड़ा बड़ा, लेकिन हरा भरा भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सूर्य भी निकल चुका है और कुहासा तो भाई जबरदस्त। यहाँ का धान पक चुका है, कटाई के लिए तैयार हो चुका है। दीपावली के बाद आप धान का कटाई शुरू कर देंगे। यहाँ के लोग भी धान पक चुका है बहुत खेतों में, और जो धान नहीं पका है वो धान भी काटते काटते पक जाएगा। बहुत सुंदर दिखता था हरा भरा, लेकिन आज हरा भरा कम लग रहा है, सब तरफ कुहासा है। और देखिए कुहासा नहीं रहता तो यहाँ पर कितना सुंदर लगता। मेरे पीछे पेड़ पौधा से भरा हुआ है, छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ पौधा। और मेरे पीछे देखिए कोई काम कर रहा है अपने खेतों में, फसल लगी है और हरा भरा भी लग रहा है, लाल भाजी और उधर पालक धनिया होगा। सामने में पता नहीं चल रहा है कुहासा, देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है हरा भरा। लगभग 3-4 बजे के अंदर में बारिश हुआ था कल, इसी कारण आज कुहासा है। इससे अगले दिन मौसम साफ था और इस टाइम पूरा धूप निकल चुका था। इस टाइम तक धूप अच्छा निकल चुका था, लेकिन आज देखिए पूरा कुहासा ही कुहासा। देखिए पत्थर में लकड़ियों का बंडल रख दिया गया है ताकि दीमक नहीं लग सके, और ज़मीन में रखने से दीमक लग सकता है, ख़राब हो सकता है। और जलावन के लिए वो लकड़ी रखे हैं, यहाँ के लोग जलावन के लिए लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। सूर्य भी निकल चुका है, लेकिन कुहासा के कारण नहीं दिख रहा है अच्छा से, और बादल भी है, नहीं तो धूप होता। पिछले दिन बहुत सुंदर धूप हुआ था इस टाइम तक। इधर आने के बाद तरह तरह के चिड़ियों की आवाज और देखने को मिलता है। समय 8 बज चुका है। अभी वातावरण देखिए, सुबह में कुहासा था जिसके कारण पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा था, और अभी देखिए कितना सुंदर हरा भरा। छोटे बड़े सभी लोग चराने आए हैं और साथ में चरा रहे हैं। कल बारिश हुआ था, उसके बाद पानी जम गया था नालियों में और कियारियों में जगह जगह, और देखिए आज पूरा साफ हो गया है, पानी खत्म हो गया है। और इधर कियारी बना दिया गया है मटर रोपने के लिए, लगता है आज बन जाएगा रोपाई करने लायक।